सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप ओवन पिकअप करते हैं तो सपोज 10x निकले, उन 10x में से 4 M2 स्टेज के थे, 4 M2 स्टेज में इक्सी हुआ, मैडम ने इक्सी किया, तो जो 4 M2 स्टेज X का इक्सी हुआ तो 4 ब्लास्टोसिस्ट क्यों नहीं बनते? कई कई बार 2 बनते हैं या 3 बनते हैं, कई बार नहीं भी बनते, या नहीं भी बनते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और ये एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है, उसमें जेनेटिक्स है और थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। ये जैसे ये बच्चेदानी है, ये अंडाशय है और बहुत सारे फॉलिकल बन के उसमें जो भीतर अंडा रहता है वो हम एक निकालते हैं बाहर, इसका डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो अंडा निकला, इस अंडे का जो क्रोमोसोम का संख्या है वो नॉर्मली प्राइमरी ओसाइट का 46 रहता है। अब 46 हस्बैंड का जो 23 वाला स्पर्म है, यदि उससे मिलेगा तो 69 हो जाएगा, ये जिंदा नहीं रह सकता। तो 46 वाले ओसाइट को, अंडे को, दो सेल में डिवाइड होना पड़ता है, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, इसमें 23 रहता है, इसमें 23 रहता है। ऐसे सेल जिसमें कि ये डिवीजन हो गया, इसको हम M2 बोलते हैं। ऐसे सेल जिनमें ये डिवीजन नहीं हुआ उसको हम जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। इन जर्मिनल वेसिकल को हम इक्सी नहीं कर सकते, IVF नहीं कर सकते, क्योंकि ये 46 लेके 23 लेके ये फर्टिलाइज नहीं होते अधिकतर। पर जिसमें ये डिवीजन हो गया है उसमें ये एक पोलर बॉडी बन गई और एक मेन ओसाइट बन गया। अब इसके भीतर जब स्पर्म की एंट्री होगी नेचुरली 23 क्रोमोसोम लेके, तो ये जो 23 क्रोमोसोम है ये फिर से खुद डिवाइड होता है 23-23 में। मतलब ये एक 23 वाला बनता है और एक एक्स्ट्रा 23 वाला, ये सेकंड पोलर बॉडी कहलाता है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाता है। सेकंड पोलर बॉडी तभी निकलता है जब उसकी उसके अंदर स्पर्म की एंट्री होती है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इस फर्टिलाइजेशन में हस्बैंड ने 23 भेजा और वाइफ का 23 हुआ। अब ये 23 मिलके आपस में क्रॉस टॉक करते हैं, ये दोनों, ये हस्बैंड का एक नंबर का क्रोमोसोम या वाइफ का एक नंबर का क्रोमोसोम, ये पास आके ऐसे पूरे सीरीज में जमते हैं, फिर इनको एक तार से अलग अलग खींचा जाता है। इसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं, ये सेंट्रियोल कहलाता है। जब ये इस तरफ जाता है तो ये टोटल 46 हो गया यहाँ मिलके। अब हर जो सेल बनेगा वो 46 का ही बनना चाहिए। अब ये जो टेक्निक हुई, इसमें यदि इस अंडे का एनर्जी के कारण, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, यदि माइटोकॉन्ड्रियल लेवल जैसे जैसे एग पुराना होता है, मतलब जैसे जैसे लेडी की एज होती है वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर घटता है, जैसे जैसे पावर घटेगा वैसे वैसे ये फोर्स घटेगा। जब ये फोर्स घटेगा तो ऐसा भी होता है कि ये नॉर्मली एक इधर जाना चाहिए एक इधर जाना चाहिए, ये कई बार ऐसा होता है कि ये यदि कमजोर हो गया तो ये दोनों इधर आ गए, तो इधर 2 हो गए इधर 0 हो गया। ये जो सेल है भले ही डिवाइड करके आगे बढ़ रहा हो, भले ही इसमें एक सी हुआ हो, भले ही ये M2 हो, ये अरेस्ट हो जाता है। ऐसे 23 के पेयर बनते हैं। अब 23 के पेयर में 23 ही यदि सबका पावर ठीक ठाक रखे तो सब 46 सेल बनते हैं। अब इस 46 सेल में कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिसमें 45 हो या 44 हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल प्लेसेंटा की तरफ भेज दिए जाते हैं और जो इनर सेल मास बनता है वो 46 क्रोमोसोम लेके समूह का बनता है। जिसमें ये 46 वाला समूह का बनता है वो अधिकतर अच्छा गुड ब्लास्टोसिस्ट है। इसका मतलब सारे M2 को यदि आप फर्टिलाइज भी करा दोगे, इक्सी से करा दोगे, तो भी जरूरी नहीं कि सब कन्वर्ट होके ब्लास्टोसिस्ट में आए, वो तभी होता है। अब ये चीज क्यों होती है? बिकॉज हर एक का जो अंडा निकलता है उसकी माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी अलग अलग होती है, कितनी मैच्योरिटी है, कितना उसमें पावर आया है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर
रोकने का या कैंसिल करने का भी एक बड़ा रीजन ये होता है कि जब हम देखते हैं कि इसमें M2 साइट मिले थे और एक भी ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना, उसका मेन रीजन होता है कि ये जो सीड है इसका जो सेंट्रियोल है, जो पावर को कंज्यूम करने के लिए, पावर को यूज करने के लिए जो फैक्ट्री है, जो उसका मैकेनिक्स है, वो यदि गड़बड़ हुआ तो उसका इन अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन से यदि एम्ब्रियो बनता है तो उसमें कई बार डाउन सिंड्रोम का खतरा रहता है जो पैदा हो सकता है, अदरवाइज बाकी अनइक्वल डिवीजन वाले एबॉर्ट हो जाते हैं। तो जो मिस्ड एबॉर्शन होते हैं वो मोस्टली ट्राइसोमी 16, मतलब एक 16 एक्स्ट्रा आ गया, पूरा नहीं निकला, एक तरफ एक 16 इधर आना चाहिए, एक उधर आना चाहिए, एक में 0, एक में 3 16, ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम में होता है, मतलब 45x0, मतलब होना चाहिए 46, हुए कितने 45, ट्राइसोमी 16 में कितने हो गए 47, डाउन सिंड्रोम में 47, आपको चाहिए सब 46 का ग्रुप। तो जो 46 का ग्रुप लेके आगे बढ़ता है वो अधिकतर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और इस 46 के ग्रुप में यदि सब 46 वाले रहें और अच्छे रहें, भले ही अच्छा ब्लास्टोसिस्ट दिखे, तब भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो गुड ब्लास्टोसिस्ट अपीयरेंस वाइज जरूरी नहीं कि उससे 100% प्रेगनेंसी हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या इस ब्लास्टोसिस्ट में सब ठीक है कि नहीं, 46 तो उसको कैसे टेस्ट करें, तो एम्ब्रियो बायोप्सी की जाती है ट्रोफोएक्टोडर्म की। प्रॉब्लम ये होती है कि ये ट्रोफोएक्टोडर्म की बायोप्सी है वो इस इनर सेल मास जिससे बच्चा बनता है उसको हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करती, उसको मोजाइसिज्म बोलते हैं। तो पीजीएस करके भी आप कई बार अच्छे ब्लास्टोसिस्ट का चुनाव नहीं कर सकते, एक खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए मैं पीजीएस के बहुत फेवर में नहीं रहता। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि उसको यदि M2 निकले और M2 में यदि आपने इक्सी किया तो सबके सब ब्लास्टोसिस्ट बनना चाहिए, सबके सब ब्लास्टोसिस्ट प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, ये एक जेनेटिक्स और टेक्निकल विषय था जो मैं कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने का। आशा है ये जो आपका क्वेरी है इससे सॉल्व हुआ होगा। यस सर, एग्जैक्टली। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।